लोकप्रिय सीरियल भाभी जी घर पर है के लाखों दीवाने हैं। ये शो हर घर में देखा जाता है। कॉमेडी जगत में सीरियल ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सीरियल का हर किरदार मशहूर है और अपने अलग स्टाइल की वजह से पसंद किया जाता है, चाहे वो विभूति नारायण मिश्रा का किरदार हो या अंगूरी भाभी या फिर मॉडर्न अनीता भाभी। मनमोहन तिवारी से लेकर हप्पू सिंह तक को काफी पसंद किया जाता है। सीरियल की कहानी की बात करें तो ये कानपुर में रह रहे दो पड़ोसियों पर बेस्ड है, जो अपनी बीवी से तो प्यार करते हैं लेकिन उससे ज्यादा अपने पड़ोसन से प्यार करते हैं। इस सीरियल में मनमोहन तिवारी की माँ यानी अम्मा जी का रोल निभाती हैं सोमा राठौड़। उनका अपना अलग अंदाज है। जिस तरीके से वो अपने बेटे मनमोहन से बात करती हैं तो चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। सीरियल में उनका अलग अंदाज है। आपको बता दें कि सोमा राठौड़ भी कभी एकदम फिट थी लेकिन एक कारण से उनका वजन बढ़ गया था। सोमा राठौड़ हिंदी टेलीविजन की जानी पहचानी अभिनेत्री हैं। इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। सोमा इसके अलावा सब टीवी के हास्य शो लापता गंज, जीजा जी छत पर है और मैं आए कम इन मैडम, नीली छतरी वाले में अपनी अभिनय से सबको खूब हंसा चुकी हैं। इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। भाभी जी घर पर है में सोमा राठौड़ मनमोहन तिवारी की माँ रामकली का रोल निभा रही हैं। सोमा की कई पुरानी तस्वीरें अक्सर इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि सोमा भी एक टाइम पर एकदम फिट थी और आकर्षक नजर आती थी। सोमा ने 23 साल की उम्र में अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चला लेकिन अचानक दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका शादीशुदा रिश्ता टूट गया। इस बात का सोमा पर गहरा असर हुआ और वो लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। सोमा राठौड़ शो में भले ही मनमोहन तिवारी की माँ का किरदार निभा रही है लेकिन असल जिंदगी में वो मनमोहन तिवारी से 9 साल छोटी हैं। सोमा अपने किरदार को बखूबी निभाती हैं और बढ़े हुए वजन को अपने करियर पर हावी नहीं होने देती। वो लोगों को हंसाने में विश्वास रखती हैं। सोमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है और शो में अम्मा जी खुद को कैटरीना कैफ की तरह खूबसूरत मानती हैं लेकिन असल जिंदगी में वो टॉम बॉय हैं और अपने किरदार से बिल्कुल अलग हैं। अपने वजन के बारे में सोमा ने इंटरव्यू में बताया कि मैं ओवरवेट हूँ और बहुत खाती हूँ पर कई सालों से मेरा वजन रुका हुआ है, ना वो बढ़ता है ना कम होता है लेकिन मेरा वजन कम करने का कोई इरादा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। हम सोशल मीडिया के जरिए मिले थे और कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी हो गई। हम 10 साल साथ में रहे लेकिन मेरी जिंदगी में एक बुरा वक्त आया और हमने महसूस किया कि हमारे बीच कुछ चीजें खत्म सी होने लगी हैं। जब चीजें खराब होने लगी तो हमने अलग होने का फैसला लिया। पति से अलग होने का दुख था, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। इसी का असर मेरी सेहत पर पड़ा और मेरा वजन बढ़ता चला गया। तो ये थी भाभी जी घर पर है कि अम्मा जी की पर्सनल लाइफ की कुछ कहानियां। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल NN Bollywood को सब्सक्राइब करना ना भूलें।